Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you're watching me on the channel of TYS. So here it is 25th July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, so today is Saturday and we have the all types of news, so we are going to discuss it. The first news is based on Rajasthan politics as it is going on. You all know that somewhere Rajasthan politics is on peak and is in limelight. So what it is, let's see. After High Court order, Gehlot stages dharna for assembly session. गहलोत अशो जो सीएम हैं अशोक गहलोत राजस्थान के, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है असेंबली सेशन के लिए एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में. एमएलए स्टेजेस 5 आवर सिट इन ऑन राज्य भवन राजभवन लॉन्स एज गवर्नर स्टोल्स डिसीजन. गवर्नर का जो डिसीजन है उसके बेसिस पर राजभवन के बाहर लॉन के अंदर करीब 5 घंटे तक एमएलएज ने जो है धरना प्रदर्शन किया एंड सिब्बल ने जो है इसी पर राजस्थान गवर्नर जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया एंड कलराज मिश्रा जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया इस बात पे. एंड शेखावत शुड गो सेज कांग्रेस. कांग्रेस का कहना है कि शेखावत जी जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं उनको जो है पार्टी में उनको जो है पोस्ट से हटाया जाए, उनको रिमूव किया जाए. ठीक है, सो उनके रेजिग्नेशन की डिमांड की गई है, उनको निकाले जाने की डिमांड की गई है गवर्नमेंट ऑफिशियल से. तो ये सारी चीज़ें धरना प्रदर्शन के तहत की गई है. इस धरना में कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स रखे हैं और ये धरना प्रदर्शन बेसिकली सचिन पायलट और जो 18 जो एमएलएज हैं उनके अगेंस्ट रखा गया है. उसी के चलते ये जो शेखावत जी के अगेंस्ट और ये सारी जो भी प्रदर्शन किया गया वो सारी डिमांड्स यहाँ पे इम्पोज की गई है इस धरने के अंदर. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फॉर क्रिकेट लवर्स दैट IPL इज़ टू गोइंग टू बी हेल्ड इन UAE में हेल्ड होगा IPL. 19 सितंबर से 8 नवंबर तक रहेगा. BCCI हैज़ सॉट सेंटर्स नोड. दी BCCI इट मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड द इंडियन प्रीमियर लीग IPL by 19th of September to November 8th. It will be held in United Arab Emirates pending the central government's approval. Okay, so the league's 13th edition had earlier been postponed because of the COVID-19 breakdown. आपको बता दूं कि अप्रैल मई में usually IPL होते हैं जैसा कि हम सभी को पता है, लेकिन इस बार जो IPL होने वाले हैं वो अभी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ COVID-19 जो है अभी पोस्टपोन कर दिए गए. और अब जो न्यू डेट रिलीज़ हुई है वो 19 सितंबर टू 8 नवंबर हुई है एंड इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन UAE. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, बिकॉज जो भी नॉर्म्स होंगे गाइडलाइंस होगी WHO की अकॉर्डिंग टू दी COVID-19 पेंडेमिक, है ना, जो सिचुएशंस उस समय रहेगी और जिस सिचुएशन को देखते हुए जो क्राइटेरियाज होंगे उन्हीं के बेसिस पे ये क्रिकेट जो है या ये जो IPL है वो हेल्ड होंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट. एंड द मैचेस आर सेट टू स्टार्ट एट 3:30 PM एंड इट विल बी कंटिन्यूड बाई 7:30 PM. ओके, इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल 4 PM एंड 8 PM. 4 और 8 PM का टाइमिंग होता है, उसकी जगह पर 3:30 और 7:30 का समय रखा गया है. ठीक है, द BCCI's interim CEO Hemang Amin and the other BCCI office bearers were involved in discussion. ये जो पूरा discussion हुआ है उसके basis पर काफ़ी important decisions लिए गए हैं और उसी के basis पर decide किया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है governing council will convene once we get a formal response from the government. एक बार formally अगर हम government से जो है proper response मिल जाता है तो उसके बाद हम इस जो है बात को release कर देंगे, news को release कर देंगे, ऐसा statement ब्रिजेश पटेल द्वारा दिया गया है. अब हम बात करेंगे बैंक से रिलेटेड. ओके, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से कवर करेंगे इन पर्टिकुलर सेक्शंस को. तो फर्स्ट न्यूज़ इज बैंक्स ग्रॉस NPAs में क्लाइम टू as much as 14.7% by March. This is said by RBI. Basically, very severe stress देखने को मिल रहा है 600 basis points के
से बढ़ गया है GNPA. बेसिकली NPA क्या होता है? NPA इट मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो लोन्स या वो सारी चीज़ें जो बैंक द्वारा प्रोवाइड, वो सारे एसेट्स जो प्रोवाइड करवाए गए हैं बैंक द्वारा, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स उनको उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है. तो वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर जो है बैंक्स के अंदर माना जाता है NPA. लेकिन अब वो जो रेशियो है RBI के अकॉर्डिंग मार्च तक हो जा मार्च द्वारा जो है NPA का जो रेशियो है या जो उनका उसका जो परसेंटेज है, 14.7% तक जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है. बहुत चिंता स्ट्रेसफुल एक सिवियर स्ट्रेस की कंडीशन आ गई है. क्योंकि ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, ये NPA को शो करता है. और NPA ये शो करता है कि बैंक कितना, या जो हमारा इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट है, वो कितना लॉस में है या कितना डूब रहा है ना. तो ये सारा डूबा हुआ पैसा होता है NPA के अंदर, वो सारा पैसा होता है जो ऑलरेडी बेडिट्स मान चुके हैं बैंक वाले, है ना. वो सारा पैसा जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. सो RBI इज़ गोइंग टू टेक दी रिक्वायर्ड एक्शंस एंड अकॉर्डिंगली द पर्टिकुलर बैंक्स विल गोइंग टू बी टेक एक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट द NPAs विल बी रिकवर्ड. इफ इट विल नॉट बी रिकवर्ड देन डेफिनेटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ डेट्स, ओके, बैड डेट्स. द नेक्स्ट इज RBI साइंस $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका. PM राजपक्षा हैड इन फैब सॉट अ डेट मॉरेटोरियम. ओके, RBI ने $400 million जो है उनकी करेंसी को स्वैप फैसिलिटी दी है, श्रीलंका को दी है ये फैसिलिटी. और अकॉर्डिंग टू दिस द RBI ऑफ इंडिया हैड एग्रीड टू अ $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका टिल November 2022. ओके, द इंडियन हाई कमीशन ट्वीटेड ऑन फ्राइडे. ये इन्फॉर्मेशन कैसे आउट हुई? इंडियन हाई कमीशन के द्वारा. रवि वहीं पे रविन रविनाथा आर्यसेना, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्रीलंका के, उनका ये कहना है द टू नेशंस कुड एक्सप्लोर कोलेबरेशंस इन टेक्सटाइल्स, IT एंड एग्री बिजनेस. एग्री बिजनेस, IT और टेक्सटाइल सेक्टर में जो है हम अपने कोलेबरेशंस करेंगे, इवन एक्सप्लोर करेंगे हम इन सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को. सो इट इज़ गोइंग टू बी हैपन बाय द नेक्स्ट. ओके, सो समवेयर वी कैन सी द श्रीलंका, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आर गोइंग समवेयर, सम यू नो समथिंग लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ बॉन्ड समवेयर. सो लेट्स सी वॉट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स. इंडिया इन्वाइट्स इजराइली डिफेंस कंपनीज टू स्ट्रेंथन टाइज. टॉक्स बिटवीन हेल्ड बिटवीन राजनाथ एंड इसराइली काउंटर पार्ट गेंट्स. ओके, इसराइल और इंडिया के बीच में बातचीत चल रही है राजनाथ जी द्वारा, जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा काफ़ी टॉक्स की गई है इसराइली डिफेंस स्ट्रेटजीज पर. और उसी के साथ में इंडिया ने फ्राइडे को इनवाइट किया है ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम इसराइल्स डिफेंस कंपनीज अंडर द न्यू लिबरलाइज्ड फॉरेन डिफेंस इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ FDI, फॉरेन डिफेंस इन्वेस्ट, सॉरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके FDI के बेसिस पर, न्यू लिबरलाइज्ड पॉलिसी के बेसिस पर जो है कंपनी ने, डिफेंस कंपनी ने इसराइली कंपनी डिफेंस कंपनी के साथ में अच्छे संबंधों को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है ये स्टेटमेंट दिया है कि वी आर गोइंग टू गिव गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इसराइल एंड इंडियाज डिफेंस रिलेशंस. ओके, सो वी इट मीन्स इंडिया इन्वाइट्स इसराइली डिफेंस कंपनीज टू स्ट्रेंथन दी टाइज बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू कंट्रीज. सो हेयर समवेयर वी कैन सी दैट द रिलेशन बिटवीन इसराइल एंड इंडिया इज गोइंग समवेयर ऑन अ डिफरेंट पीक. एंड लेट्स सी वॉट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंस रिलेशंस वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर आर रिलेशंस. सो समवेयर इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड इसराइल एज वेल टू गो थ्रू द गुड इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द एडिटोरियल्स. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू टेक सम quotations or I can say motivatory quotes. So here, push yourself because no one else is going to do it for you.
आपको अपने आप को, खुद को ही आपको पुश करना पड़ेगा। कोई आपको अपने अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने स्वप्नों के प्रति या अपनी इच्छाओं के प्रति, आपको जो चाहिए उसके प्रति आप ही को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कोई आपके लिए आपके एफर्ट्स नहीं लगाएगा। ओके, तो समवेयर दिस दीज लाइन्स मोटिवेट मी एज़ वेल। सो मैं मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो शायद आपको भी इनसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। द नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट एडिटोरियल, दिस इज़ जुडिशियल इनडिसिप्लिन। जुडिशियल इनडिसिप्लिन की बात कही गई है। ये जो है बेसिकली राजस्थान हाई कोर्ट, और राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ डिसरिगार्डेड लॉ लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट वाइल एडमिटिंग प्ली बाय पायलट कैंप। पायलट कैंप से जो प्ली को एडमिट किया है उसको लेकर के अगर बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें भी जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसरिगार्ड कर दिया है। तो समवेयर जो है हम देख रहे हैं जुडिशियल इनडिसिप्लिन देखने को मिला है। जुडिशियल सर्विसेज में जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन होना चाहिए वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था डायरेक्टिंग दैट स्टेटस को टू मेंट बी मेंटेन्ड इन दी डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 19 लेजिस्लेचर्स एंड होल्डिंग अ लीगल चैलेंज टू दी राजस्थान असेंबली स्पीकर्स नोटिस अंडर दी एंटी डिफेक्शन लॉ टू बी मेंटेनेबल बॉर्डर्स ऑन जुडिशियल डिसिप्लिन। ओके, एंड द ऑर्डर डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पटिशन एंड ओवर रूलिंग ऑब्जेक्ट्स टू इट्स एडमिसिबिलिटी एक्सपेक्ट फॉर सेइंग लीगल क्वेश्चंस हैव अराइजन इंक्लूडिंग वन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ सब क्लॉज इन द 10th शेड्यूल। अकॉर्डिंग टू द 10th शेड्यूल जो सब क्लॉज है उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है, लीगल क्वेश्चन खड़ा हो गया है इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो है ये ओवर रूल करने की बात कही गई है, जो लॉज हैं उन्हें ओवर रूल करने की कोशिश की गई है। सो समवेयर यहाँ पे जो पूरा सिनेरियो नज़र आ रहा है राजस्थान हाई कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कि वो जो है जुडिशियल सर्विसेज को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोहिबिशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन कोर्ट्स इंटरवीनिंग इन डिसक्वालिफिकेशन मैटर्स एट अ स्टेज प्रायर टू अ प्रोसीडिंग ऑफिसर गिविंग अ रूलिंग ऑफ द 13 क्वेश्चंस द डिविजन बेंच हैज़ फ्रेम्ड परपोर्टिंग टू अराइज फ्रॉम द स्पीकर सी पी जोशीज़ नोटिस टू 19 कांग्रेस मेंबर्स इन द सचिन पायलट कैंप। The last one itself shows it cannot entertain the petition. The question is whether the Supreme Court's judge in Kehoto Holohan is a bar on the High Court examining the issues. It is illogical that the bench holds that the petition is maintainable even while proposing to examine whether the constitutional bench judgment binds it or not. In other words, a petition has been declared maintainable on the grounds that this court proposes the examine its maintainability. Okay, so overall, if we will talk about it, however, even as the political crisis plays out on the lawns of Raj Bhavan, you can see we have already talked about it that the Congress leaders go through the what I can say. It was happening in the lawn of assembly sessions. So somewhere they were demanding for the assembly session by this dharna, and what all these things happened was such a very, you know, very 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 unprofessional at all. So somewhere let's see what is going to be next, but somewhere we can go through this particular article and we can understand easily that judicial services are somewhere indisciplined, and these things can definitely affect the environment or the judicial aspects of this country. Okay, somewhere जहाँ हम already बहुत सारे issues को handle करते हुए चल रहे हैं, उसके अंदर judicial issues को लेकर इस तरह के मुद्दे उठना अपने आप में कहीं ना कहीं judicial services की failure को show करती है. Okay, so let's see what is going to be the next, what will the next decision of Supreme Court and how High Court is going to take it. So let's see what is going to be next. Okay,
The next is arms and the women. After a long battle, women officers overcome the gender barrier in the इंडियन आर्मी. देखिए ये आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, आप खुद से पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इजीली आपको दिखाई दे रहा है जो भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है. बेसिकली मैं क्यों नहीं डिस्कस करूँगी, उसका रीज़न ये है कि हम ऑलरेडी कल इस बारे में, इस आर्टिकल को हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि वुमेंस को जो है बैरियर्स हटा दिए गए हैं वुमेन के लिए, और एज का जो बैरियर था उसे रिमूव करके एक कॉमन जो है उनको वो दे दिया गया है, परमानेंट ग्रांट दे दिया गया है उन्हें. सो समवेयर इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर वुमेन एंड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, क्योंकि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये महिलाओं और आर्मी के बीच में पहले बहुत लंबे टाइम से जो है महिलाओं और इंडियन आर्मी के बीच में चल रही थी. सो इस बैरियर को समवेयर अब जा कर के हटा दिया गया है, और ये महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि इस तरह का डिसीज़न लिया गया है. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, बिकॉज किसी भी एक डिसीज़न का एक डिवर्ट एक्शन ज़रूर मिलता है, मतलब एक आंसर ज़रूर मिलता है. तो क्या आंसर निकलता है इसका, कैसा डिसीज़न रहा ये, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है आने वाले टाइम में देखेंगे. बट समवेयर इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन एंड डेफिनेटली नॉट बिकॉज आई एम अ वुमेन, दिस इज़ ऑल बिकॉज द इक्वालिटी एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज द फेज ऑफ लॉ और द आई कैन से द पिक्चर ऑफ लॉ एट ऑल. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द नेक्स्ट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन द स्पेक्टर ऑफ क्राउड्स इन द कोविड 19 सिटी, कोविड सिटी. Post pandemic habitations must resist retreating into a closeted isolation that only the privileged can afford. So, ये जो पूरा आर्टिकल है ये बेस्ड है उन लोगों पर या उस सिचुएशन पर जो पैंडमिक द्वारा क्रिएट की गई है, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करती है, रिच और पुअर के बीच डिफ्रेंशिएट करती है, और कैसे क्राउड को अलग अलग कर दिया है इस पूरे सिचुएशन ने. तो ये पूरी सिचुएशन जो है एक क्लियर पिक्चर शो करती है किसका, कोविड 19 से इफ़ेक्टेड पीपल्स का. जैसे माइग्रेंट्स है, वहीं रिच ले लीजिए आप, पुअर पीपल्स ले लीजिए, और भी जो अदर एस्पेक्ट्स है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो हर तरीके से जो है एक क्राउड को अलग करती है, क्राउड को एक्सप्लेन करती है कि क्राउड किस तरह की है हमारे यहाँ, किस तरह का कितना किसका रश है, और किस तरह से सिचुएशंस हैंडल कर रही है क्राउड, इवन क्राउड को कैसे गवर्नमेंट और सिचुएशंस हैंडल कर रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई है, वेरी वेरी गुड आर्टिकल्स. और आफ्टर द पेंडेमिक हमें कैसे इस क्राउड को हैंडल करना है, क्या सिचुएशंस होनी चाहिए. देखिए क्राउड ने हमारे सामने एक बिल्कुल इस कोविड 19 ने हमारे सामने क्राउड का एक बहुत ही क्लियर पिक्चर प्रेजेंट कर दिया है. अब इस क्लियर पिक्चर के बेसिस पर कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, कैसे लोग खुद अपने आप पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल टिकट्स. पॉलिटिकल टिकट्स की बात कही गई है, तो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, इन सब के बेसिस पर, इन सब के एरियाज़ के अंदर जो कैसे वर्क कर रहे हैं, उसे कैसे रिस्पेक्ट देना है वर्किंग एरियाज़ को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. पॉलिटिकल टिकट से दूर रहने की बात भी यहाँ पे की गई है. तो समवेयर पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी डेंजरस थिंग फॉर आर कंट्री, एज वी कैन सी बिफोर टू और थ्री स्लाइड्स वी कैन सी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन राजस्थान पॉलिटिकल सिचुएशन. ओके, पॉलिटिक्स, सो समवेयर दिस आर्टिकल इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन दी सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटरी सुप्रीमेसी एंड एज वेल एज द पॉलिटिकल टिकट्स ऑफ द कंट्री. ओके, सो समवेयर यू शुड गो फॉर दिस. एंड हैंड ऑफ अप्रोचेज भी बताए गए हैं यहाँ पे. उसके अलावा पास्ट को भी एक ओवरव्यू लिया गया है, पास्ट का भी, उसी के साथ में को इक्वालिटी शो की गई है, और फिर लास्ट वर्ड्स के अंदर जो है लास्ट क्लेरिफिकेशन के बेसिस पर जो है पॉलिटिकल टिकट्स के कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल टिकट से कैसे दूर रहा जाए, और क्या सिचुएशन अल्टीमेटली क्या इसका जो है सार निकलता है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं. ओके, सो होप यू ऑल गॉट इट, एंड उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है. काफ़ी देखिए ये दो आर्टिकल्स जो है, ओनली डिस्कशन का मतलब सिर्फ यही था कि इन आर्टिकल्स को हम ऑलरेडी, देखिए पॉलिटिकल टिकट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना,
लेकिन उसके जो लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे इस आर्टिकल में देखने को मिलेंगे, जो आप ही पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगी चीज़ें कि यहाँ क्या दी गई है ना। राजस्थान का जो सिचुएशन चल रही है उसी पर बेस्ड है ये पूरा आर्टिकल। राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं उस पर बेस्ड है, और राजस्थान के पॉलिटिकल इशूज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं होल कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट इन राजस्थान, एंड राजस्थान पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होने वाली है आगे, ये सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। उसी के साथ में ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली COVID-19 के दौर में जिस तरीके से लोगों के क्राउड बिल्कुल अलग हो गई है, लोग बिल्कुल अलग अलग भागों में बढ़ गए, माइग्रेंट्स अलग हैं, रिच अलग हैं, क्योंकि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो लोग COVID-19 के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सारे मापदंडों को अपना सकते हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं करते, इवन दे कांट अफोर्ड दी मास्क एंड अदर सैनिटाइजर्स इवन, सो वो कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो कैसे सिचुएशन को जो है वो शिकार हो रहे हैं COVID-19 का, और कैसे इस पर्टिकुलर COVID-19 के दौर में जिस तरीके से लॉकडाउन चला है तो उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव किया है, और कितना इफेक्ट कहाँ देखने को मिला है, कैसे माइग्रेंट्स और अन्य जो लोग हैं वो अलग हुए हैं, कैसे रिच पुअर का डिफरेंशिएशन देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। यू शुड गो फॉर इट बिकॉज आपको ये चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा समझ में आ जाएगी, एंड जितना हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लोर मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में बता दिया है। इसके अलावा तो आपको खुद चीज़ें जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे आप तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और बहुत टफ आर्टिकल नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पेंडेमिक के बाद में जो है सिचुएशन सामने आई है सबके, और पेंडेमिक ने खुद ने अपने आप ने जो है एक पूरी क्लियर पिक्चर हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है। अब अकॉर्डिंग टू दैट हम और गवर्नमेंट कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, और आर्म्स एंड वुमेंस हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो जेंडर बैरियर को रिमूव कर दिया गया है, जो एक एज लिमिट टाइम लिमिट दिया गया था वेमेन के लिए, फॉर्मल लेटर जो है जारी करते हुए उनको परमिशन दे दी गई है कि वो आगे भी अपने उनका जो ये सीलिंग है ये एज लिमिट जो है उसे रिमूव कर दिया गया है, और अब वो होल लाइफ जो है अकॉर्डिंग टू अ सिंपल नॉर्म चल सकते हैं SSC के थ्रू। जो वुमेन ऑफिसर्स हैं इन ऑल दी 10 स्ट्रीम, जो भी 10 स्ट्रीम्स है SSC के तहत, उसके थ्रू जो है वो अपने आप को जो है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग से जो है उनका आगे वर्क प्रोसीजर रहेगा, ना कि 10 ईयर्स तक का रहेगा। ओके, सो हेयर इट इज़ ऑल अबाउट इंडियन एयरफोर्स। इसी के अंदर जो है अभिनंदन वर्धमान की भी बात की गई है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं आर्मी से रिलेटेड जिसको यहाँ डिस्कस किया गया है। इवन जैसे कि रानी ने किस तरीके से जो है अपने आप को शो किया था, अपने आप को एक ग्रेट वॉरियर, इवन 100 टाइम्स मोर यू नो पावरफुल समवेयर फ्रॉम अ मैन, इस तरीके से खुद को शो किया था। तो इस तरह की सारी सिचुएशन जो है वो इस आर्टिकल में दी गई है। इसके अलावा जुडिशियल डिसिप्लिन की बात की हमने, राजस्थान हाई कोर्ट और उसके डिसीजंस जो कि सुप्रीम कोर्ट को ओवरकम कर रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशन को हमने यहाँ पे बात की है। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर बेस्ड जो अभी रिसेंट जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है वो न्यूज़ कवर की है हमने RBI की, और इसके अलावा क्रिकेट लवर्स के लिए एक गुड न्यूज़ को भी शेयर किया है IPL से संबंधित, और पॉलिटिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है राजस्थान की। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज कवर की हैं, और उसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है, कोई इशू है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।